वेलकम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो ऑफ जर्नल बिफोर वी फर्दर स्टार्ट विद एनीथिंग न्यू इन दिस चैप्टर कॉल्ड जर्नल वी नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बिकॉज बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है Children, I have taken certain examples. You identify cash or credit transactions. Ko identify karoge. So, children, let's start. The first example goes like this Bought goods for rupees 20,000. The second one, bought goods for cash rupees 20,000. And the third one, bought goods for cash rupees 20,000 from Ram. Children, you might have noticed the difference between all these three given examples. In the third example we notice that uh, we have the word cash also as well as the name of the person is also given. So children if we have the word cash available with us and the name of the person given, but ye represent karai a cash transaction hai. The second one children The word cash is mentioned but name of the person is not mentioned. तो चिल्ड्रन, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ये कैश ट्रांजेक्शन ही है एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स ओनली द टर्म दैट वी हैव बॉट समथिंग बट द वर्ड कैश एज वेल एज द नेम ऑफ द पर्सन बोथ आर मिसिंग हेर इन तो बच्चों इसका मतलब है कि हमने ये ट्रांजेक्शन कैश में किया है और हमने सो कॉल्ड क्रेडिट पे इसको नहीं किया क्योंकि अगर हम क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो नेम रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है एल्स हाउ विल रिमेंबर कि हमने किसके साथ बाइंग सेलिंग की है तो चिल्ड्रन रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स इफ द ट्रांजेक्शन डजन गिव द नेम ऑफ द पर्सन एज वेल एज कैश वर्ड भी मैंशन नहीं है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है कैश वर्ड मैंशनड है बच्चों बट नेम इज़ नॉट मैंशन ये भी कैश ट्रांजेक्शन है द वर्ड कैश इज गिवेन As well as name of the person is also given. But choisko we cash transaction gay. Then children, if we have the so-called name of the person mentioned in the transaction. Children, I repeat, we have the name of the person mentioned in the transaction. Like in my example, it is bought goods for rupees 20,000 from Ram. So children, you find here that name is mentioned. बट द वर्ड कैश इज नॉट मैंशनड तो बच्चों जब सिर्फ नेम लिख के आएगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप इसको कंसिडर करेंगे बच्चों नेम इज मैंशनड क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये वी हैव नो नेम एंड नीदर द वर्ड कैश तो चिल्ड्रेन इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन द वर्ड कैश इज गिवेन स्टिल नेम इज नॉट गिवेन इट इज द कैश ट्रांजेक्शन कैश इज गिवेन चिल्ड्रेन एज वेल एज नेम इज ऑल्सो गिवेन इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन तो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप इन तीन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी मत समझिए मत लर्न करिए सिर्फ आप एक समझ लीजिए वेन ओनली नेम इज मैंशनड इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड इन ऑल अदर केसेज इट इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन एज सच तो बच्चों ध्यान दीजिएगा सिर्फ नेम लिखा है तो क्रेडिट बाकी कोई भी कंडीशन है तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन तो बच्चों एक चीज आपको और ध्यान देनी है

अमाउंट इज इन नो वे एन एविडेंस टू प्रोवाइड किसी भी तरह से साबित नहीं होगा बच्चों अमाउंट से कि आपने ट्रांजैक्शन कैश में किया है या क्रेडिट में अमाउंट कभी भी इस बात को बच्चों प्रूव नहीं करता कि इफ अमाउंट इज गिवन तो ये कैश ट्रांजैक्शन है नॉट एट ऑल द वर्ड कैश कैश एंड नेम नीदर कैश नॉट नेम ये तीन इंस्टेंसेस होते हैं बच्चों कैश ट्रांजेक्शन के

अपनी रफ बुक में सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो चिल्ड्रन द फर्स्ट स्टेप इज कि हम गिवन ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और उसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट उठा लेंगे देन चिल्ड्रेन हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट से एक नाउन मिल जाएगा नाउन यस एंड दैट नाउन विल बी कॉल्ड एज अकाउंट देर आफ्टर बच्चों आप अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे एज पर्सनल रियल और इवन नॉमिनल तो बच्चों अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं आई एम नॉट मूविंग एनी फर्दर आप पर्सनल रियल नॉमिनल में बच्चों इसको क्लासिफाई करेंगे देन चिल्ड्रन आप गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर फॉर रियल अकाउंट इट इज डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट एंड फॉर नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स दिस विल टेल एस चिल्ड्रेन हमको किसको डेबिट एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड करना है और किसको क्रेडिट एस्पेक्ट पे बी मोर क्लियर ऑन दिस किस को हमें बेनिफिट एस्पेक्ट बोलना है और किसको सेक्रीफाइस वांस चिल्ड्रेन दिस स्टेप इज क्लियरली डन हमारा काम खत्म हो चुका है अब हम इसको अपनी रफ बुक में रिकॉर्ड कर देंगे और इसी को बच्चों हम बोलते हैं जर्नल एंट्री सो चिल्ड्रेन हाइव टेकन अ शॉर्ट प्रोसीजर है ऑल्सो so, पहले ट्रांजेक्शन को रीड करिए फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन बच्चों नाउन ढूंढ लीजिए दैट इज एन अकाउंट देन गोल्डन रूल अप्लाई करिए देर आफ्टर वील कम टू नो कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है चिल्ड्रेन अ सेट ऑफ एग्जाम्पल इज ऑल्सो फ्रेम्ड फॉर योर कन्वीनियंस जिससे हमको ये बात पता लगेगी चिल्ड्रेन है एग्जाम्पल द फर्स्ट वन बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन सी टू इट इसमें कैश वर्ड आपको नजर नहीं आ रहा येस यू गॉट इट राइट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड देन चिल्ड्रेन सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज थर्टी टू थाउजेंड चिल्ड्रन वी फाइंड द वर्ड कैश हेयर तो मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा पहले हमने ट्रांजेक्शन को रीड किया द ट्रांजेक्शन गोज लाइक दिस बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज थर्टी टू थाउजेंड देन चिल्ड्रन वील फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट चिल्ड्रन द सब्जेक्ट पार्ट इज मोहन एंड द प्रेडिकेट पार्ट इज बॉट गुड्स चिल्ड्रेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर आप बॉर्ड गुड्स को भी सब्जेक्ट बोलते हो ग्रामेटिकली इट में भी रॉन्ग बट अकाउंटिंग में चल जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड प्रेडिकेट को अगर आप मोहन बोलते हो तो भी आपका काम चलेगा बच्चों देन चिल्ड्रन इन दिस ट्रांजेक्शन वी से कैश इज द सब्जेक्ट पार्ट एंड सोल्ड गुड्स इज द प्रेडिकेट पार्ट तो चिल्ड्रन लाइक दिस वी हैव आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चिल्ड्रन द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द नाउन so children in first transaction we have the noun that is mohan and goods children i repeat we have the noun so called mohan and goods so children this noun that we have found out in the first transaction that is mohan and goods will be called as account and in the second transaction cash and goods are the available nouns just as account bologe तो चिल्ड्रन आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टू दिस एक्सटेंट आपको ट्रांजेक्शन रीड करना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड करना है सब्जेक्ट पार्ट से आप एक नाउन पिक करेंगे और प्रेडिकेट पार्ट से भी आप एक नाउन पिक कर लेंगे तो बच्चों हमारे पहले ट्रांजेक्शन में द नाउन्स व मोहन एंड गुड्स इन द सेकेंड ट्रांजेक्शन द नाउंस व कैश एंड गुड्स रिमेनिंग चिल्ड्रेन आपको वर्ब और प्रपोजिशन नजर आ रही हैं चिल्ड्रन कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे हम

आपको रियलिटी में ये काम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर अप्लाई करना है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बच्चों हम ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करके कॉपी में वर्किंग करेंगे बट वंस यू आर ऑन टू इट आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर बच्चों इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बच्चों मैंने स्टेप वाइज यहाँ क्लासिफिकेशन किया है फर्स्ट स्टेप में आपको ट्रांजेक्शन रीड करना है इन द सेकेंड स्टेप बच्चों आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढोगे नाउन फाइंड आउट करोगे अकाउंट्स फाइंड आउट करोगे देन चिल्ड्रेन स्टेप फोर में आप क्लासिफिकेशन करेंगे पर्सनल रियल एंड नॉमिनल देन बच्चों स्टेप फाइव यू विल अप्लाई द गोल्डन रूल एंड देख चिल्ड्रेन स्टेप सिक्स एट द बॉटम सी हम रिकॉर्ड करेंगे रफ बुक में अपने ट्रांजेक्शन को दैट इज जर्नल एंट्री जिसे हम बोलते हैं तो चिल्ड्रेन लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन द एग्जाम्पल वॉज बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड बच्चों ध्यान से सुनिएगा द सब्जेक्ट पार्ट इज मोहन एंड द प्रेडिकेट पार्ट इज चिल्ड्रेन बॉट गुड्स देन चिल्ड्रेन आपने पहला स्टेप अप्लाई कर लिया दैट इज आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढ लिया अब बच्चों आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों बहुत सिंपल है नाउन दैट इज अकाउंट को आइडेंटिफाई करना इन दिस ट्रांजेक्शन द फर्स्ट वन दैट वी हैव टेकन इट्स मोहन एंड द सेकेंड इज चिल्ड्रेन गुड्स

जब हम गुड्स बाय करेंगे बच्चे रिमेंबर वेन वील बाय देम दैट इज खरीद रहे हैं तो परचेस टर्म यूज होगा एंड नॉट द वर्ड गुड्स विल बी यूज सो चिल्ड्रेन गुड्स आप नहीं यूज करोगे यू विल यूज द वर्ड परचेज और परचेजिस सो चिल्ड्रेन रिमेंबर द वर्ड गुड्स शेल नॉट बी यूज इन एट्स प्लेस विल बी यूज इंग वॉट इज कॉल्ड एज परचेजिस सो चिल्ड्रेन वी हैव फाउंड आउट है टू अकाउंट्स From the the transaction given, one was was Mohan and other was purchases in place of goods. goods Children, remember the word goods will always be used never. बच्चों दीजिएगा मेरे contradictory सेंटेंस पे विल ऑलवेज बी यूज नेवर मतलब कभी भी आप इसको यूज नहीं करोगे सिर्फ परचेज वर्ड ही आपको यूज करना है बच्चों जब आप खरीदोगे और बच्चों जब आप उसे सेल करोगे तो आप वर्ड यूज करोगे वॉट इज कॉल्ड एज सेल्स एज सच परचेज वेन यू बाय एंड सेल्स वेन यू सेल तो बच्चों आगे चलते हैं फर्दर हम नाउ चिल्ड्रेन द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई द अकाउंट फाउंड एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन परचेज विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट एंड मोहन विल बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट चिल्ड्रेन देन चिल्ड्रेन हम गोल्डन रूल अपलाई करेंगे फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसिस बाय करना इज एन एक्सपेंस तो रूल अपलाई होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसिस मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट चिल्ड्रेन रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गि तो बच्चों मोहन से हम गुड्स खरीद रहे हैं मोहन गिवर है दैट्स वाई बच्चो हम इसको क्रेडिट कर देंगे तो चिल्ड्रेन अल्टीमेटली द गिवेन ट्रांजेक्शन आप परचेज को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट करेंगे सो इट इज सेक्रीफाइस एंड गुड्स गिवेसिकली दिफिट बिकॉज वी आर बाइंग चिल्ड्रेन रिमेम्बर हाउ द एंट्री इज डन ये तो बात की बात है बट पहला काम है डेबिट और क्रेडिट ढूंढ्रा चिल्ड्रेन आई रिपीट अगेन रीडिंग टू द ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट पार्ट से हमको एक अकाउंट मिल गया दैट इज मोहन एंड द अदर अकाउंट गुड्स विच इज कॉल्ड एज परचेजेस चिल्ड्रन परचेज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस सो चिल्ड्रेन हेयर वील अप्लाई द एक्सपेंस पार्ट ऑफ द रूल एंड वील अकॉर्डिंगली फाउंड आउट कि ये डेबिट एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड होगा दैट इज ये हमें बेनिफिट दे रहा है

Children, we move on to the second one that is sold goods for cash. So, children, the subject part seems to be cash, and the predicate part seems to be sold goods. So, but again, two accounts discover karloge. One is called as cash, and second is called as goods. Children, as I said, not to use the term goods any time. you are supposed to use what is called as सेल्स जब आप सेल करोगे एंड परचेज जब आप बाय करोगे एंड द सेकेंड अकाउंट दैट वी फाउंड वॉज कैश तो बच्चों यहां पे आपको दो अकाउंट्स मिलेंगे वन इज कॉल्ड एज सेल्स एंड अदर इज कॉल्ड एज कैश ओके चिल्ड्रन सो वी नेवर यूज द वर्ड गुड्स वाइल अकाउंटिंग ऑलवेज रिमेंबर जब भी बाय करोगे द वर्ड इज परचेज सेल करोगे द वर्ड इज सेल्स नेवर यूज द वर्ड गुड्स तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन में हमको दो नाउन्स मिली थी वन इज कैश अदर इज गुड्स गुड्स को हमने कन्वर्ट कर दिया सेल्स में चिल्ड्रन रिमेंबर इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन बॉट वॉज अ वर्ब तो ऑलवेज रिमेंबर अकाउंट हमेशा कोई नाउन ही होता है एंड द सेकेंड ट्रांजेक्शन वी हैड सोल्ड एज अ वर्ब तो बच्चों हम इसको भी इग्नोर करेंगे ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन अकाउंट इज ऑलवेज अ नाउन एज सच ओके चिल्ड्रन तो बच्चों क्लासिफाई करते हैं कैश विल बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट सेल्स बींग एन इनकम विल बी क्लासिफाइड एज नॉमिनलो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश इज कमिंग इन दिजनेसिंग गुड्स इट ऑन दॉमिनल अकाउंट पर चिल्ड्रेन रूल अपलाई करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स तो चिल्ड्रेन हम इसको क्रेडिट कर देंगे सो कॉल्ड सेक्रीफाइस हो रहा है वेन गुड्स आर पार्टेड फ्रॉम द बिजनेस गुड्स जा रहे हैं बच्चों बाहर एंड बेनिफिट होगा जब हमारे पास कैश आएगा चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन बेनिफिट और सेक्रीफाइस की स्टोरी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी द रियल लॉजिक इज अकाउंट आइडेंटिफाइड इज कैश एंड सेल्स कैश बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट रूल इज डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश इज कमिंग इन बच्चों तो हम डेबिट कर देंगे सेल इज एंड इनकम तो हम क्रेडिट कर देंगे तो बच्चों लाइक दिस वी आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर आप सबसे पहला काम करोगे ट्रांजेक्शन को रीड करोगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करोगे नाउन फाइंड आउट करोगे जिससे अकाउंट बोलेंगे देन बच्चों गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे और फिर बच्चों पता लगेगा व्हाट इज डेबिट और क्रेडिट बच्चों मेनी अ टाइम्स यू विल कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे पहले आप क्रेडिट आइडेंट फाई कर लो बाद में डेबिट आइडेंटिफाई करो बट जब चिल्ड्रेन आप इसको रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल आप सबसे पहले बच्चों डेबिट एस्पेक्ट को लिखोगे तो चिल्ड्रेन लाइक वी डिड इन द फर्स्ट एंट्री परचेज को बच्चों हम लोग ने डेबिट किया फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एंड मोहन को क्रेडिट किया तो चिल्ड्रेन व्हाट वी हैपन टू रिकॉर्ड इज दिस आप परचेज अकाउंट को इस तरह से डेबिट करके लिखोगे एंड क्रेडिट के लिए बच्चों हम लेटर यूज करते हैं वर्ड यूज करते हैं टी ओ चिल्ड्रन वैल्यूज शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड कैसे आपको लिखनी है डायग्नली चिल्ड्रन डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में वैल्यू क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में वैल्यू सिमिलरली चिल्ड्रन वी हैव आइडेंटिफाइड हेयर कैश ऑन द डेबिट एस्पेक्ट बच्चों तो हम इसको डेबिट कर देंगे एंड सेल्स वॉज आइडेंटिफाइड ऑन द क्रेडिट एस्पेक्ट चिल्ड्रन तो हम लिखेंगे टू सेल्स बच्चों क्रेडिट के साथ आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं है द टेक्सट टी ओ इट्स इंडिकेट्स की ए क्रेट है तो चिल्ड्रेन दिस इज द फॉर्मैट ऑफ जर्नल जहाँ पे आप अपना फाइनल रिप्रेजेंटेशन करते हो सो चिल्ड्रेन आई होप सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जर्नल एंट्री इज क्वाइट क्लियर टू ऑल इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है